ओ भाई साहब, इन्होंने तो हवे में यहाँ पर इन्होंने एक कश्ती और यहाँ पर इन्होंने हवे में एक कैसल बना के रखा हुआ है। भाई माइंड ब्लोइंग यार। आज मैं जाने वाला हूँ हिमलैंड्स के वर्ल्ड में और मैं यस मार्टिफाई का बहुत पुराना फैन हूँ। जब उनके 1 लाख सब्सक्राइबर होते थे तब से मैं उनको फॉलो करता आ रहा हूँ। एंड उनके हिमलैंड की सीरीज के बारे में आपने बहुत सुना होगा, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर सीरीज है और उस वर्ल्ड के अंदर उन्होंने बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए हुए हैं। और फॉर सम रीजन मैं उनके हिमलैंड सीरीज को फॉलो नहीं करता, तो मैं आज उनके वर्ल्ड में सीधा एंटर करके वो सारे बिल्ड चेक करने वाला हूँ। तो अगर आप नहीं जानते कि हिमलैंड वर्ल्ड क्या है और ये यस मार्टिफाई कौन है, तो भाई क्या कर रहे हो यार, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, YouTube में चल क्या रहे हैं। एनीवेज बहुत फजूल बातें हो गई, तो सीधा यार वर्ल्ड के अंदर चलते हैं। देख सकते हो भाई हमारे पास यहाँ पर हिमलैंड का ऑफिशियल वर्ल्ड आ गया है। तो भाई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी तब जाके मुझे SMRTY से ये वर्ल्ड मिला है। चल झूठा। तो मेरी उस मेहनत के लिए यार प्लीज एक लाइक कर देना जरूर। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर वर्ल्ड में एंटर हो गया हूँ। एंड ओ भाई, ओ हाँ, हिमलैंड उसका हमेशा आइस वाले जगह पे ही उसका ना घर होता था। यार स्टार्टिंग के मैंने कुछ एपिसोड देखे हुए हैं, तो भाई ये क्या क्या बना रखा है इसने। है भाई सामने ये इतना बड़ा क्या है। हेलो भाई, ये क्या बना रखा है इसने। भाई यहाँ पर तो अच्छा नॉर्मल सी विलेज है, लेकिन भाई ये मेरे ख्याल में तो कोई बड़ा खतरनाक कैसल बना रखा है। तो गाइस इस वीडियो में बने रहना, बिकॉज हमें बहुत रेयर बिल्ड्स यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर चेक करो, इन्होंने कोई यहाँ पर गेट लगा रखा है, लेकिन यहाँ सिंपल बटन है तो सही, और गेट खुल भी गया। तो इन्होंने यहाँ ये क्या लगा रखा है भाई, है इसका क्या मतलब है। ये इन्होंने लगता है कोई फंसाने के लिए कोई बंदे को लगा रखा है, कोई नया बंदा आता है तो उसको फंसाने के लिए कि भाई यहाँ पर कोई पासवर्ड वगैरह मिलाओ तब गेट खुलेगा। लेकिन सिंपल है भाई, हम यहाँ पर जाने वाले हैं, हमारे पास बहुत बड़ा दिमाग है तो ईजी है। तो एंटर तो हो गए हैं, और भाई ये क्या क्या चीजें बना रखी है इसने। ठीक है, सबको एक बारी मतलब एक एक करके देखते हैं। तो भाई सबसे पहले ये है कोई यहाँ पर डॉग का हाउस लग रहा है मुझे, तो लेट्स गो, हम सबसे पहले इसके अंदर जाने वाले हैं। तो भैया गेट खोल दो, हम यहाँ पर देखते हैं। ओ एक मिनट, ये यहाँ पर जितने मुझे लग रहे हैं ना, यहाँ पर ये पड़े हैं और यहाँ बेड पड़े हैं, तो ये तो मुझे विलेजर्स का घर लग रहा है। लेकिन भाई डिजाइन इसका डॉग के हाउस का है, लेकिन अंदर है विलेजर्स का घर। ठीक है, ये वाला तो हो गया हमारा। नेक्स्ट हम ये वाला कौन सा घर है भाई, और ये किसके घर हैं पड़े भाई, बिकॉज यस स्मार्टीफाई के अलावा और भी हैं पड़े यहाँ पर बंदे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, वो भी हैं। तो बाकी ओ भाई के, अच्छा ये फिशिंग वाला उन्होंने बना रखा है सीन। एंड चेस्ट भाई सारी खाली है यहाँ पर, हैं भाई ये क्या मजाक है। ठीक है, ऊपर चल के देखते हैं ऊपर क्या है यहाँ पर। एंड यहाँ ऊपर, अरे भाई ये कैसे घर बना रखे हैं इन्होंने, एक मिनट। ओ यहाँ पर अच्छा एंचेंटिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ग्लास लगा रखा है बहुत अच्छा सा। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर कुछ नहीं है। नीचे यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ कुछ है क्या। ओ भाई ये क्या बना रखा है। ओ अच्छा यहाँ इन्होंने आयरन फार्म भी बना रखा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर भाई सीढ़ियां भी है नीचे, मतलब डायरेक्ट हम यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। ठीक है भाई, एंड यहाँ पर मुझे साइड पे एक छोटा सा घर नजर आ रहा है, तो ये घर किस चीज का है भाई, ये किसका घर है भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो जगह है, ये आई थिंक यहाँ पर कोई जानवर वगैरह खड़ाने के लिए कोई जगह होगी। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, ये है टू वर्ड एक्सपी फार्म। अरे भैया इन्होंने एक्सपी फार्म भी बना रखे है, लेकिन मुझे कहीं एक्सपी फार्म नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो कहीं नहीं है भाई, आई डोंट नो किसकी एक्सपी फार्म की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी खेत बीजी हुई है, थोड़े गाजर वगैरह वीट वगैरह थोड़े उगाए हुए हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर इन्होंने और एक खेत लगाई हुई है, और भाई ये क्या है वो, ये तो मैंने आप गौर किया, यहाँ पर एक कैसल बना रखे है इन्होंने भाई, कैसल के अंदर कैसल, ये बड़ा कमाल चीज है। लेकिन उससे पहले कि हम यहाँ पर ये चीज देख लेते हैं भाई, ये क्या है, ये मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। ठीक है, तो इसके अंदर चल के देखते हैं भाई ये यहाँ पर। हेलो एक मिनट, ओ नीचे रास्ता है। ठीक है, नीचे चलने वाले हैं। एंड अरे भाई साहब यहाँ पर तो दुनिया भर की चेस्ट है बड़ी, एक मिनट चेस्ट में देखते हैं। अरे SMRTY सर, अरे अरे कुछ है ही नहीं यार, क्या है ये मजाक। अरे भाई कुछ तो भाई कुछ रखा ही नहीं है यार, ये क्या बेईमानी है भाई। उसको मैंने बताया ना कि मैं तेरे वर्ल्ड का टूर करने जा रहा हूँ, तो उसने भाई सारा कुछ उठा लिया। भाई ट्रस्ट नाम की कोई चीज है कि नहीं है। नहीं। ठीक है भाई कोई नहीं, हम तो यार वर्ल्ड का टूर करने आए हैं, जहाँ की कोई सामान चोरी करने आए हैं। तो यहाँ ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता इन्होंने नहीं बनाया रखा है, एक मिनट अंदर है क्या रास्ता। अंदर भी भाई नीचे गिर गया, बच गया भाई, नीचे स्लाइम लगा रखी है उसकी वजह से। लेकिन अंदर भी कुछ नहीं है, ऊपर का वैसे कुछ फिलहाल है नहीं, ऐसे ही डिजाइन किया हुआ इन्होंने। और भाई ये इन्होंने क्या चीज बना रखी है, ये मुझे बड़ी कमाल लग रही है ये वाला डिजाइन। और यहाँ पर इन्होंने ये कोई छोटा सा मतलब जगह बना रखी है घोड़े वोड़े रखने के लिए, बिकॉज वहां पर वीट पड़ा हुआ है। और माइनक्राफ्ट में जहां वीट पड़ा हो का मतलब ये होता है कि वहां पर वो घोड़ा पालते हैं।
और भाई ये क्या बना रखे है इन्होंने, आई डोंट नो, इसकी समझ नहीं आ रही मुझे। ठीक है तो अब हम मेन अपना कैसल चेक करने वाले हैं। ठीक है भाई मैं अंदर आ रहा हूँ, यहाँ पर सामने ही मुझे लैडर नजर आ रही है और ये वाला जगह, ओ भाई बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पर। ओ यहाँ पर भी आई थिंक घोड़ा पालने के लिए इन्होंने या सामान स्टोर करने के लिए जगह रखी हुई होगी। एंड यहाँ पर हमें ये खेत में ले जाता है। एंड सामने वाली जगह पे क्या है, सामने वाली जगह पे ओ ऐसे ही अच्छा पानी बना रखा है ये, मस्त ऐसे नेचर को देखने के लिए, सही है भाई। और यहाँ पर अरे भाई एक मिनट, अरे मैं ऊपर कैसे जाऊँ, अच्छा ऊपर के लिए ये लीव्स लगा रखे है ना भाई। यहाँ पर कुछ है क्या यार, A few moments later. साला कुछ रखा ही नहीं है, बट नेवर माइंड, हम सीधा ऊपर चलते हैं भाई, ऊपर चल के देखते हैं यहाँ पर क्या है। वाओ भाई कैसल तो यार बड़ा कमाल बना रखा है। ठीक है ये जो कमरे छोटे छोटे बने हुए हैं इनमें कुछ भी नहीं होने वाला, यस ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाए गए हैं, यहाँ पर भाई कोई रहता वहता नहीं है। ठीक है भाई इस जगह का मैंने पूरा यहाँ पर टूर कर लिया, जितनी भी चीजें थी ना मैंने यहाँ पर सारी देख लिया। अब हम मेन नेदर में जाने वाले हैं और नेदर में देखने वाले हैं यहाँ पर क्या उन्होंने कुछ बिल्ड किया हुआ है कि नहीं। ऑलराइट मैं नेदर में यहाँ पर आ चुका हूँ एंड मुझे यहाँ पर कुछ खास बिल्ड यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज बहुत ही बंद जगह है भाई ये तो। ठीक है भाई यहाँ पर रास्ता है लेकिन ये भी रास्ता भाई आगे जाके खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर तो भाई कुछ है ही नहीं, नेदर में तो कुछ खास है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है भाई अपने नॉर्मल वर्ल्ड में ही चलते हैं और बाकी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। अरे एक मिनट व्हाट, अरे मैं ये कहाँ स्पॉन हुआ, हेलो, अरे भाई ये क्या जगह है, एक मिनट मुझे इस जगह को देखना पड़ेगा, कोई सीक्रेट जगह पे स्पॉन हुआ हूँ मैं। और इतना बड़ा ये नेदर पोर्टल बना रखा है इन्होंने, भाई साहब ये तो काफी कमाल है। भाई साहब ये वाला कमरा तो चेक करो, कितनी टॉर्चेस लगी हुई हैं यहाँ पर, और ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी शिप के अंदर आ गया हूँ, बिल्कुल डिजाइन तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। ठीक है यहाँ पर तो आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक लैडर है, तो लैडर के ऊपर मैं जाने वाला हूँ। और यस मुझे यहाँ पर पानी नजर आ रहा है, अरे भाई पानी नहीं ये तो कहीं ऊपर ही है, एक मिनट भाई ये मैं कहाँ आ गया, एक मिनट भाई मुझे ऊपर जाके देखना ही पड़ेगा। ओ एक मिनट व्हाट, ये भाई क्या बना रखा है इन्होंने, एक मिनट मुझे जरा दूर से देख, अरे वो सामने क्या है भाई, ये क्या चीज बना रखी है इन्होंने, ओ भाई साहब इन्होंने तो हवा में यहाँ पर इन्होंने एक कश्ती और यहाँ पर इन्होंने हवा में एक कैसल बना के रखा हुआ है, भाई माइंड ब्लोइंग यार। और भाई ये शिप की डिजाइनिंग और ये सब कुछ यार बहुत बेहतरीन बना रखा है ये, देखो तुम देखो यहाँ पर रेल भी लगा रखी है इन्होंने सजावट के लिए, और बहुत सारे ब्लॉक्स का इन्होंने इस्तेमाल करके एक अच्छी सी यहाँ पर शिप बनाई है। ठीक है तो मैं देखना चाहता हूँ ये शिप आखिर, ओ ये रही, हाँ ये रही जगह जहाँ से मैं नेदर पोर्टल के अंदर गया था, और ये यहाँ पर है, और यहाँ नीचे भी कुछ है भाई। अरे भाई साहब यहाँ पर भी एक और कैसल बना के रखा हुआ है इन्होंने, ओ भाई ये अब किसका कैसल है भाई, ये हिमलैंड सच में यार बहुत ज्यादा कमाल का वर्ल्ड है। एक मिनट ये किसके यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं, आई डोंट नो, एक मिनट अंदर जाना यार पता नहीं अलाव है भी नहीं, पहले तो चेस्ट चेक करते हैं, कुछ भी नहीं है भाई चेस्ट में, सारा कुछ उठा लिया है। ठीक है यहाँ पर अब यहाँ पर जाने की जगह है, लेट्स गो, तो यहाँ से ऊपर चलते हैं। एंड ओ भाई यहाँ टेबल शेबल सजा रखी है इन्होंने बैठने बैठने के लिए, अंदर से तो इतना खास नहीं है लेकिन ओ भाई यहाँ पर एक और लैडर है, एक मिनट लैडर के ऊपर चलते हैं। एंड आई थिंक और एक मिनट कहाँ पहुंच गया मैं, यहाँ पर भी चेस्ट है बहुत सारी, और ये और ऊपर जा रहा है भाई, ये क्या है, ऐसे ऊपर का इंटीरियर है। ठीक है अब बिल्कुल ऊपर चलते हैं और देखते हैं भाई बिल्कुल ऊपर क्या है। एंड अरे एक और लेटर, एक मिनट भाई कुछ तो कमाल यहाँ पर होने वाला है आई थिंक, भाई मैं फुल ऊपर आ गया यहाँ पर अपने कैसल के। और वो सामने क्या है भाई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्री है पड़ा, भाई ये क्या है भाई, अब मैं उस ट्री के पास जाना चाहता हूँ, ये ट्री इन्होंने क्या बना रखा है। अरे भाई साहब दुनिया भर की टॉर्चेस लगी हुई है, चेक करो जरा कितना कूल लग रहा है यार ये ट्री, और बिल्कुल मैं जो इस कैसल के अंदर गया था ना वो तो इसके बिल्कुल बाजू में है भाई ये, और आई थिंक इस ट्री के ऊपर इन्होंने दुनिया भर के कमरे भी बनाए हुए हैं। लेट्स गो भाई इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, एक मिनट लेकिन एंट्री वाली जगह कहाँ है, वो यहाँ से है रास्ता, लेट्स गो रास्ता मिल गया मुझे, लेट्स गो निकलते हैं भाई यहाँ पर, और भाई अंदर पूरा देखते हैं पहले, यहाँ पर सारी टॉर्चेस लगाई हुई है, पूरा वुड से यार इसको बनाया गया है यहाँ पर। भाई मैं बहुत ज्यादा ऊपर आ गया हूँ यहाँ पर, ये अभी भी सीढ़ियाँ ऊपर पे ऊपर ही जाई जा रही हैं। एक मिनट यहाँ पर कुछ रस्ते आ गए, लेट्स गो, भाई क्या बना रखे है इन्होंने, छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं यहाँ पर, भाई कमाल है यार। ठीक है यहाँ से यहाँ अगर चले, भाई साहब यार ये क्या बना रखे है इन्होंने, एक मिनट भाई ये तो कुछ अलग ही टाइप बना रखे है इन्होंने,
भूल भुलैया टाइप है, यहाँ पर मैं घूम ही ना हो जाऊँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, बिल्कुल ऊपर जाके देखते हैं बिल्कुल ऊपर क्या होने वाला है यहाँ पर। अरे भाई यहाँ पर डायमंड और गोल्ड के ब्लॉक लगा के रखे हुए हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई ऐसे आम ताम क्यों रखे हुए हैं भाई, कोई भी आके उठा सकता है, किसी की भी नियत खराब होते हुए टाइम नहीं लगता। 12 seconds later, एक मिनट, अगर मैं थोड़े से यहाँ से उठा लूँ भाई, देख सकते हो यार कितना ज्यादा अमेजिंग यहाँ पर बना रखा है। और ये जो बाहर से लुक लगती है ना इसकी, देखो मैं इतना ज्यादा ऊपर आया हुआ था, पूरा ये डायमंड जो और गोल्ड जितने भी चीजें रखे हुए हैं ना ब्लॉक्स उनके, सब कुछ छुपा हुआ है, ये ऐसे आम नजर नहीं आता। और भाई ये ट्री चेक करो तुम, कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। ऑलराइट, तो ये ट्री भी हो गया, अब मैं जाने वाला हूँ वो ऊपर जो कैसल है ना, जो बड़ा डेंजरस सा मुझे लग रहा है उसके अंदर।